हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू नंबर वन स्टडी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास टेन की साइंस की टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर वन केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस इसके पहले की वीडियो में हमने केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था उसमें राइडिंग केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये कंप्लीट कर लिया था ऑल्सो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ तक कम्प्लीट देखा था इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिसप्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन ये दो रिएक्शंस हम इस वीडियो में पढ़ेंगे देखते सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सबसे पहले यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है एक्टिविटी वन पॉइंट नाइन इसमें बोला गया है टेक थ्री आयरन हिल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विथ सैंड पेपर मतलब तीन लोहे की किल लेनी है उसको सैंड पेपर मतलब खुरदरे से पेपर पे रब करके क्लीन कर लेना है अब यहाँ पे आयरन नेल को क्लीन करने के लिए बोला है क्लीन क्यों करना है क्योंकि आयरन जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और उसके रिएक्टिव होने की वजह से एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है फेरिक ऑक्साइड की ठीक है तो हम जब एक्टिविटी करते तो हमें फ्रेश आयरन चाहिए तो फ्रेश आयरन के लिए हमें हमेशा वो प्रोटेक्टिव लेयर को हटाना पड़ता है इसीलिए सैंड पेपर पर आयरन हेल को अच्छे से रब करना है तो आयरन हिल क्लीन हो जाती है अल्सो अगर हम ये प्रोसेस कर लेते हैं तो हम जो एक्टिविटी करेंगे उसमें उसकी एक्टिविटी की जो है ना स्पीड भी बढ़ जाती है तो इसीलिए आयरन हेल को हमेशा क्लीन करके यूज़ करना है आगे देखते हैं यहाँ पर बोला है टेक टू टेस्ट ट्यूब्स मार्क एज ए एंड बी इन इच ट्यूब टेक अबाउट टेन एम एल कॉपर सल्फेट सोल्यूशन देखो ईजी है क्या बोला है दो तो ट्यूब्स लेने के लिए बोला है वन टू दोनों को मार्क करना है एक को ए मार्क करेंगे दूसरे को बी दोनों में टेन टेन एम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन मतलब सी यू एस ओ फोर सोल्यूशन लेना है टेन टेन एम ठीक है आगे रीड करते हैं टाइ टू आयरन नेल्स विथ अ थ्रेड एंड इमर्स देम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब बी फॉर अबाउट ट्वेंटी मिनट्स फर्स्ट पॉइंट पे हमें बोला गया था थ्री आयरन नेल्स लेने के लिए राइट right? तो थ्री में से दो को थ्रेड से अच्छे से टाई कर लेना है और ये जो हमारी टेस्ट्यूब बी है इसमें इमर्स्ट करना है दोनों नेल्स को टेस्ट्यूब बी में क्या है टेन एम एल सी यू एस ओ फोर है राइट ट्वेंटी मिनट्स तक उसको ऐसे ही रहने देंगे आगे देखते हैं किप वन आयरन नेल असाइड फॉर कंपेरिजन थ्री नेल्स लेने थे थ्री में से दो को तो हमने टेस्ट ट्यूब भी में डाल दिया अभी एक आयरन नेल को क्या करेंगे साइड में रख देंगे कंपेयर करने के लिए मतलब जब हम टेस्ट ट्यूब में से दोनों किल को बाहर निकालेंगे तो इस थर्ड वाले के साथ उसको कंपेयर करेंगे ठीक है आगे देखते हैं आफ्टर ट्वेंटी मिनट्स टेक आउट दी आयरन नेल्स फ्रॉम दी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन अब ट्वेंटी मिनट्स हो गए ट्वेंटी मिनट के बाद दोनों आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से बाहर निकाल लेना है और इसके बाद कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी दो टेस्ट ट्यूब्स लिए थे हमने ए एंड बी दोनों में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टेन टेन एम एल लिया था और जो बी टेस्ट ट्यूब थी हमारी उसमें हमने कॉपर ये सॉरी आयरन नेल्स रखे थे राइट तो ट्वेंटी मिनट्स के बाद आयरन नेल्स को निकाल लिया तो अभी जो टेस्ट ट्यूब बी है एंड टेस्ट ट्यूब ए दोनों में जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था ब्लू कलर का उसके कलर को देखना है क्या कुछ चेंजेस आए हैं या वो जैसा था पहले ब्लू कलर एज इट इज़ है चेक करना है उसके बाद अल्सो कंपेयर द कलर ऑफ द आयरन नेल्स डिप इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन विद द वन किप्ट साइड जो हमने एक नेल मतलब साइड करके रखी थी उसके साथ जो डिप किए थे ना दो नेल्स उनको कंपेयर करके देखना है क्या कुछ चेंजेस आए हैं उनमें अभी देखो यहाँ पे फिगर में ये जो फर्स्ट वाइटिश कलर की है वो साइड में रखी थी वो नेल है और ये जो ब्राउनिश कलर की नेल है वो टेस्ट ट्यूब बी में रखी थी हमने ठीक है सी ओ एस ओ फोर सोल्यूशन में क्या ऑब्जर्वेशन मिल रहा है इससे पहले ये वाइटिश कलर की थी अब इसका कलर चेंज हो गया ब्राउन कलर आ गया अल्सो ट्यूब में देख लेते हैं पहले देखो ये वाली टेस्ट ट्यूब ए है और ये बी है पहले सोल्यूशन का कलर ब्लू था अभी फेड हो गया राइट ये ऑब्जर्वेशन मिल रहा है तो ऐसा क्यों हुआ देखो आगे वाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फेड फेड्स यहाँ पे बोला है कि क्यों मतलब आयरन नेल थी उसका कलर ब्राउनिश हो गया एंड जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था वो फेड हो गया तो ये क्यों हुआ देखो इसमें ना ये रिएक्शन होगी इस एक्टिविटी में आयरन नेल आयरन के लिए क्या लिखते हैं केमिकल फॉर्मूला उसका एफ ई प्लस किसमें इमर्स्ड क्या था कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में तो सी यू एस ओ फोर इसके साथ इसकी रिएक्शन हो जाती है तो मैंने तो पहले ही बताया था एफ़ ई मतलब कि आयरन ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना तो इसकी रिएक्टिव होने की वजह से ये क्या करता है ये जो सी यू है मतलब कि कॉपर ये लेस रिएक्टिव रहता है इसको यहाँ से रिमूव कर देता है डिस्प्लेस कर देता है उसकी जगह से उसको हटा देता है और ख़ुद उसकी जगह पर जाके सेट हो जाता है देखो कैसे एफ़ ई एस ओ फोर बन जाता है प्लस सी यू तो क्या हुआ इस रिएक्शन में ये जो एफ़ ई था आयरन इसने इस सी यू को लेस रिएक्टिव सी यू को यहाँ से डिसप्लेस किया और ख़ुद उसकी जगह पे जाके सेट हो गया इसका मतलब एफ ई ने सी यू को डिसप्लेस किया राइट तो यही होती है डिसप्लेसमेंट रिएक्शन वही दे रखा है यहाँ पे इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ डिसप्लेस और रिमूव अनादर एलिमेंट आयरन ने क्या किया डिसप्लेस या फिर रिमूव बोल सकते अदर एलिमेंट जो कि हमारा कॉपर था कॉपर सल्फेट सोल्यूशन सी यू एस फोर में से सी यू को डिसप्लेस कर दिया और एस फोर के साथ खुद सेट हो गया ठीक है तो ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अल्सो यहाँ पे डिसप्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जैसे कि जिंक जिंक के लिए लिखते हैं जेडन जेडन भी ज़्यादा रिएक्टिव रहता है एज़ कम्पेयर टू कॉपर तो ये भी कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है और खुद एस ओ फो एस फोर के साथ प्लस हो जाता है जेडन एस फोर हो जाता है अल्सो पी बी पी बी ये क्या है लेड लेड भी ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर को वहाँ से डिस्प्लेस कर देती है और पी बी सी एल टू बन जाता है उससे इसका मतलब जेड एन और पी बी दोनों ने क्या किया सी यू को डिस्प्लेस कर दिया और खुद जाके वहाँ पर सेट हो गई तो ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो क्या बोला है झिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट दैन कॉपर मतलब झिंक और जो लेड है वो कॉपर के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव है ठीक है कॉपर उनसे लेस रिएक्टिव है द डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड तो ये क्या करते हैं फिर कॉपर को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देते बाहर ही निकाल देते उसको ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अभी आगे देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे भी एक्टिविटी है एक्टिविटी वन पॉइंट टेन इसमें बोला है टेक अबाउट थ्री एम एल ऑफ़ सोडियम सल्फेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड इन अनादर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट थ्री एम एल ऑफ़ बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन मतलब फिर से दो टेस्ट ट्यूब्स लेनी है जैसे कि देखो ये टेस्ट टेस्टूब वन टेस्ट्यूब टू ट्यूब वन में क्या लेना है थ्री एम ठीक है थ्री एम हमें लेना है सोडियम सल्फेट सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला है एन एन ए टू एस ओ फोर सोडियम सल्फेट लेना है इस वाली टेस्ट ट्यूब में सेकेंड ट्यूब में भी थ्री एम लेना है बट क्या लेंगे बेरियम क्लोराइड बेरियम क्लोराइड बी ए सी एल टू इस वाली टेस्ट ट्यूब में लेना है ए सी एल टू ठीक है दो टेस्ट ट्यूब में दो सोल्यूशन ले लिए उसके बाद मिक्स द टू सोल्यूशन अभी इन दो सोल्यूशन को मिक्स कर लेना है ठीक है एक ही टेस्ट ट्यूब में मिक्स कर देंगे वॉट डू यू ऑब्जर्व तो फिर आपने क्या ऑब्जर्व किया क्या होगा देखो यू विल ऑब्जर्व दैट अ वाइट सब्सटेंस विच इज़ इंसोलुबल इन वाटर अभी आप ही इंसोलबल समझना होगा इंसोलुबल मतलब जो वाटर में डिजोल्व नहीं होता ऐसा कुछ वाइट सब्सटेंस बन जाता है टेस्ट ट्यूब में ठीक है जब हम दोनों को मिक्स करते हैं जिस इंसोलुबल सब्सटेंस फॉर्म इज नोन एज अ प्रेसिपिटेड ये जो इंसोलुबल सब्सटेंस अभी यहाँ पे बन रहा है उसको क्या बोलेंगे प्रेसिपिटेड बोलेंगे और ऐसी कोई भी रिएक्शन एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेड उसमें प्रेसिपिटेड अगर बनता हो तो फिर ऐसी रिएक्शन को प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बोला जाता है मतलब ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेड बनता है ऐसी रिएक्शन को प्रिस्पिटेशन रिएक्शन बोला जाता है अभी देखो रिएक्शन क्या हो गई टेस्ट ट्यूब वन में हमने लिया था एन ए टू एस ओ फोर और दूसरे टेस्ट में लिया था बी ए सी एल टू इसमें क्या हो रहा है ये जो हमारा एन ए टू है वो सी एल टू के साथ कंबाइन हो जाता है और ये जो बी ए है वो एस ओ फोर के साथ कंबाइन हो जाता है तो इसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट में ही वो एक्सचेंज uh, हो जाते हैं आयन एक्सचेंज की वजह से होता है अभी देखो एन ए टू सी एल के साथ मिल जाता है और बी एस ओ फोर के साथ और मिलकर देखो क्या बनाते हैं बी एस ओ फोर के साथ मिलने से बनता है बी ए एस ओ फोर दैट इज बेरियम सल्फेट एंड एन ए टू सी एल टू के साथ कंबाइन होने से बनता है एन ए सी एल ठीक है सोडियम क्लोराइड वॉट कॉजे दिस मतलब ऐसा क्यों हुआ ये डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ दी वाइट प्रसिपेटेट ऑफ बी एस ओ फोर इज फॉर्म बाई द रिएक्शन ऑफ एसओफो टू नेगेटिव एंड बी ए टू प्लस अभी देखो यहाँ पे बोला है एसओ फो टू नेगेटिव एंड बी ए टू प्लस ये जो हमारा बी एस ओ फोर है ना ये प्रिसिपिटेड है ठीक है वाइट प्रसिपेटेड है ये कैसे बना ये जो एस ओ फोर टू नेगेटिव दे रखा है यहाँ पे और बी ए टू प्लस अभी देखो इसके पास प्लस है और इसके पास माइनस ये कहाँ से प्लस माइनस कहाँ से आए इसका मतलब क्या ये जो बी ए है इसने अपने टू आयंस किसी को डोनेट किए होंगे और ये जो एस ओफोर टू निगेटिव है ना इसने किसी से लिए होंगे ठीक है उधार कुछ आयंस ले लिए होंगे तो इसीलिए जो लेता है उसके ऊपर माइनस निगेटिव का साइन आता है और जो डोनेट करता है उसको प्लस साइन मिलता है ठीक है तो इनके बीच में आयन एक्सचेंज हो जाता है और आयन एक्सचेंज होने की वजह से ये रिएक्शन होती है वही दे रखा है यहाँ पे दी अदर प्रोडक्ट फॉर्म इज सोडियम क्लोराइड ठीक है विच रिमेंस इन द सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड मतलब ये वाला एन ए सी एल ठीक है वो रिएक्शन में रह जाता है सच रिएक्शन इन विच देर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अभी देखो इसमें क्या हो रहा है रिएक्टेंट्स में ही आयन एक्सचेंज हो रहा है ना एस ओ फोटू नेगेटिव एंड बी ए टू प्लस का तो ऐसी रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है तो यही था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट आई होप आप लोगों को दोनों रिएक्शंस अच्छे से समझ में आ गई होंगी अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना थैंक यू